चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नहीं, ये है एनसीईआरटी ना एक्सरसाइज 3.6 का 2 का 2 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है टू मैन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज व्हाइल थ्री मैन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इन इन 3 डेज। फाइंड द टाइम टेकन वन मैन अलोन द फिनिश द वर्क एंड आल्सो डेट टेकन बाय वन मैन अलोन। इसका मतलब ये हुआ कि दो औरत और पांच आदमी मिलके जो है एक काम को 4 दिन में फिनिश करता है, तो तीन औरत छह आदमी है ना इस काम को फिनिश करने में लगाता है 3 दिन, तो वो अकेला अकेला जो है कितना दिन में काम खत्म कर लेगा। यहाँ पे देखते हैं कि इस समय है ना ये टाइम टाइम एंड वर्क का जो ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट टाइप से हल करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ओमेन जो है, ओमेन करता है एक्स डेज में काम करता है, मेन जो है ये वाई डेज में अपना काम करता है, और दोनों मिला करके जो है ये 4 दिन में अपना काम समाप्त कर लेता है। तो इसको जो है लिखने का तरीका क्या है कि दो ओमेन है बाय एक्स करेंगे, फाइव में है बाय वाई करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 1/4 करेंगे। इसको रिवर्स करके लिखना होता है कि ये रूल है ना वर्क एंड टाइम का। सो फर्स्ट मानेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है थ्री ओमेन, तो थ्री बाय एक्स लिखेंगे, यहाँ पे सिक्स मैन है तो सिक्स बाय वाई लिखेंगे, इक्वल टू 3 डेज है तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। अब इसी को हल करके जो है ना एक्स वाई का मान निकालेंगे तो हमको ना ओमेन और मेन का जो है 11 डेज का वर्क निकल जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, है ना इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है 6/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/y और ये हो जाएगा 3/4। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 6/x हो जाएगा और यहाँ पे 12/y हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो ये 2/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन लगाएंगे नीचे में सबका, और यहाँ पे ये है ना एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास में क्या 15/y माइनस 12/y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 बचेगा। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 4 3 12 3 3 × 9 3 4 4 4 × 2 8। यहाँ क्या देखते हैं 3/y और यहाँ 1/12 हो जाता है। क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमको मिलेगा y का मान 36, ये हो गया आंसर। अब क्या करते हैं y का वैल्यू जो है क्या करेंगे पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो हमको जो है ना x का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं x का वैल्यू, क्या x का वैल्यू जो पुट करेंगे y का वैल्यू कितना मिल चुका है हमको 16 मिल चुका है। यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे, इसमें पुटिंग द वैल्यू लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2/x तो है ये लिखा हुआ रहेगा ही, 5/36 लिखेंगे इक्वल टू 1/4 लिखेंगे। फिर उसको हल करेंगे तो क्या होगा 2/x हो जाएगा, 1/4 इधर है उधर ले जाएंगे तो 5/36 हो जाएगा, जब उसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 × 1 यानी कि 9 ही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना हो जाएगा 4/36 काटेंगे तो 1/9 हो जाएगा ये। अब यहाँ क्या बच गया है 2/x इक्वल टू 1/9,
टैक्स का मान कितना मिल गया हमको, मिल गया है 18, यानी कि 18 डेज। यहाँ पे भी हम लोग डेज लिखेंगे इसको। ये मिल गया एक्स का वैल्यू, ये मिल गया वाई का वैल्यू, मतलब क्या होगा इसका कि एक्स मेन हो गया, मेन वाई हो गया, मतलब क्या हुआ कि वाई जो है यानी कि मेन जो है मेन काम करेगा 36 दिन में कंप्लीट अपना काम, एक दिन में नहीं, एक वोमेन जो है 36 दिन में कंप्लीट करेगा, और जो है एक वोमेन जो है वो है ना 18 दिन में कंप्लीट करेगा अपना काम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।